मन मैं करूँ आपका किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका क्या कर गई आपकी एक नजर आपकी एक नजर जान क्या कर गई आपकी एक नजर जान क्या कर गई बस अभी मेरा दिल था मेरा हो गया आपका मेरा दिल था मेरा हो गया आपका किस तरह से नमन किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका
हरिः ओम ओम ज्वालामालिनी नमः ओम रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्अग्निरजायत। तारती है तारती तारती आरती, तारती है तारती तारती आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल जग फंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, तारती है तारती तारती ये आरती, तारती है तारती तारती ये आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन समृद्धयाल कुलिताल कायी, कपाल माला कृष्ण करायी, दिव्यांबराय चरिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। स्वामी
तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव मंतुष्ट सखा तुमेव तुमेव विद्यार्थ विरक्त तुमेव हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम यशोदा नंदनाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीवृंदावन विहारिणे नमः मंत्रपुष्पांजलिम समर्पयामि उलिवृंदावन विहारी लाल की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की सनातन धर्म की गौ माता की संत समाज की भक्त समाज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज उन्होंने पूजन करवाई के लिए तिलक लगाएं जाइए। हरिः ॐ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम् न जाने व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् भैया होल्ड कर लो डबल कर लो उसे माला को हाँ ऐसे हरि ओम
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्तस्रस्त निबद्धनी विविल सद गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलि वृंदावन विहारी लाल की जय। आइए आज तृतीय दिवस की मंगलमय वेला में चलते हैं श्री भागवत भगवान की शरण में और तृतीय दिवस की कथा का रसास्वादन करते हुए चलते हैं श्री व्यास जी की ओर। श्रद्धेय व्यास जी, श्री राधे राधे। हरिओम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, राधे। हरिओम। श्री सीताराम। ट्रेवल कम कर देना भैया, ट्रेवल कम कर देना, गेन भी कम कर देना, वॉल्यूम बढ़ा देना। राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे, राधे। श्री सीताराम, श्री सीताराम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननम्बूर गणा सेवितं कपित जंबो फलुचारु वक्षिणं उमासितं सोपिनासकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकमुक्ता कलेर्ग्रहात् राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवते गाथा वंदे युगल ब्रजे प्रसिद्यं नवनीत चोरं गोपांक नाना चदुकूल चोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जिह्वाग्रिमादाय करेण देवीम वामीन शत्रून परपीडयन्ते गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराज्ञां द्विभुजां नमामि। अदलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुदीसं रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमः। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान अपने आसन आन विराजो भक्त करे सम्मान। आइए पवन सुत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार अपने आसन आन विराजो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु हम सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की ही वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु श्री राम अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज पधारे हुए समस्त भूसुर ब्राह्मण वृंद समस्त संत समाज एवं माता अनसुईया माता सीता के पदचिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद समस्त युवा साथीगण और बाल कन्हैया स्वरूप हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल समस्त चराचर के जीव सिया राम मय सब जुग जानी करहु प्रणाम जोई जुग पानी पधारी हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जन वृंद सभी के लिए व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आइए कथा कहने एवं सुनने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सभी लोग गाएंगे मेरे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी भक्त बड़े भाव के साथ बोलेंगे राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। वाह, आज तृतीय दिवस की बेला में पधारे हुए सभी भक्तों का मैं इस व्यासपीठ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सभी भक्त बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी भक्त मिलकर सुभाष नगर की पुण्य भूमि धराधाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। दो दिन से मैं बताता आ रहा हूं, कई जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तो अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानते हुए और यह मानते हुए कि वाकई में वाकई बिहारी की हम सब पर कृपा है, भागवत रूपी भागीरथी गंगा का बड़े हृदय से और बड़े भाव के साथ रसपान करेंगे। आइए तो तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातर्विदुरस्य यादविपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया कमनी रूपमधिकं कीतत सुदामनोधनम भक्त्या तुस्सति केवलम नंच भक्ति प्रियो माधवा। भगवान जो है, भगवान की भक्ति जो है और भगवान की कृपा है, सिर्फ सरल भाव से और प्रेम से ही प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान कुछ नहीं देखते, ना यह देखते हैं कि धनवान है, ना यह देखते हैं कि स्वरूपवान है कि कुरूपवान है, ना वो यह देखते हैं कि यह वृद्ध है या बालक है, ना वह आचरण देखते हैं, ना वह जाति देखते हैं, केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। लिखा है व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चावयो। व्याध कोई अच्छा आचरण नहीं था, ध्रुवस्य चावयो, ध्रुव जी हैं जो मात्र 5 वर्ष के बालक हैं। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र जो है वो तो जानवर था, हाथी था, उसके पास कोई विद्या नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। का जातिर विदुरस्य यादव पते, विदुर जी कोई उच्च जाति की नहीं थे। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्र सेन जो महाराज थे वो कोई युवा नहीं थे, वो तो वृद्ध थे। यदि हम कहते हैं स्वरूप से प्रसन्न होते हैं, सुंदर लोगों से प्रसन्न होते हैं, तो कुब्जाया कमनीय रूप मधिकम,
कुब्जा को प्राप्त हुए। तीन जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा नाम था जिसका, उसको भगवान प्राप्त हुए। और यदि हम कहें कि पैसे से धन से हम भगवान को प्राप्त कर लें, तो उसका भी लिखा है की तत् सुदामनो धनम। सुदामा जी के पास कौन सा धन था? भक्त्या तुस्सति केवलम न च भक्ति प्रियो माधुवा। भगवान जो है प्रेम से और सरल हृदय से प्राप्त होते हैं। अभी कलयुग में ही एक भक्त हुए हैं जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में भक्त का नाम है नामदेव। मात्र 5 वर्ष की उनकी आयु है। नामदेव जी के पिता जो हैं ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। घर में ठाकुर जी को विराजमान करके रखा है, नित्य उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नित्य का उनका नियम है कि प्रातः काल उठकर स्नान करके सर्वप्रथम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अलंकार करते हैं, उनको बाल भोग बनाते हैं, उनको बाल भोग लगाते हैं, उसके बाद ही स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं। एक बार नामदेव जी के पिताजी को भैया थोड़ा सा ईगो कम कर दो ना, थोड़ा सा ईगो कम कर दो, प्रेशर भी कम कर दो, बोलता हूं तो एकदम चुप। एक बार और कम कर दो थोड़ा सा राधे। एक बार नामदेव जी के पिताजी जो हैं आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो अपना पुत्र जो है नामदेव जी हैं मात्र 5 वर्ष के हैं, उनको बताते हैं कि बेटा मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और ये ठाकुर जी की सेवा आपको करनी है। पूजा की पूरी विधि बता देते हैं कि प्रातः काल उठकर स्नान करके ठाकुर जी को स्नान कराना है, उनका अलंकार करना है, श्रृंगार कराना है, चंदन पुष्प इत्यादि से धूप दीप करके फिर भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना है। नामदेव जी ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी जो है गांव से बाहर चले जाते हैं। नामदेव जी प्रातः काल उठते हैं, स्नान आदि से निर्वित होकर जिस प्रकार से पिताजी ने पूजा की विधि बताई थी ठीक उसी प्रकार पूजा प्रारंभ कर देते हैं। कन्हैया का स्नान कराते हैं, अलंकार करते हैं, चंदन पुष्प इत्यादि से उनका पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं। उसके बाद याद आ गया कि पिताजी ने बोला था पहले कन्हैया को भोग लगाना है, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करना है। तो जाते हैं, दूध और मिश्री लेकर आते हैं और कन्हैया के सामने रख देते हैं और पर्दा लगा देते हैं। पिताजी ने बताया था बेटा पर्दा लगाओगे तभी भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। पर्दा लगा देते हैं और नेत्र बंद करके बड़े भाव के साथ बोलते हैं तदीय वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, मैं बड़े भाव के साथ आपको यह प्रसाद अर्पण कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। बाल बुद्धि है, मात्र 5 वर्ष के बालक हैं। थोड़ी देर बाद पर्दा खोल कर देखते हैं कन्हैया ने दूध ग्रहण किया है कि नहीं किया है, फिर पर्दा लगा देते हैं। कुछ समय बाद फिर पर्दा खोल कर देखते हैं, फिर पर्दा लगा देते हैं। बाल बुद्धि है। काफी समय हो गया कन्हैया ने दूध ग्रहण नहीं किया, शाम हो गया, उन्होंने भी हट कर लिया जब तक कन्हैया दूध ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हम भी दूध ग्रहण नहीं करेंगे। भूख से व्याकल हो रहे हैं, कन्हैया ने दूध नहीं लिया तो भक्त नामदेव ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया। उस दिन वो भूखे ही सो गए। दूसरा दिन हुआ, पुनः प्रातः काल उठे, जो विधि पिताजी ने बताई थी उसी विधि अनुसार ठाकुर जी का पूजन अर्चना किया।
और फिर दूध लेकर आते हैं, दूध में मिश्री डालकर लाते हैं, कन्हैया के सामने रख देते हैं, फिर बोलते हैं तदीय वस्तु गोविंदम तब में समर्पित ग्रहण सुमुखो भूता प्रसिद परमेश्वरो, प्रभु जो भी दिया हुआ है आपका ही है, आप इसे ग्रहण करें। लेकिन कन्हैया फिर भी दूध ग्रहण नहीं करते, भूख से व्याकुल हो रहे हैं, मात्र 5 वर्ष के तो बालक हैं, दिन भर से कुछ खाया नहीं है, उन्हें लगा हो सकता है कन्हैया थोड़ा सा मीठा खाते हो। अंदर जाते हैं, थोड़ी सी और मिश्री लेकर आते हैं, दूध में और मिश्री डाल देते हैं, कहते हैं प्रभु अब तो पाओ। फिर भी कन्हैया ने दूध ग्रहण नहीं किया, भूख से बड़े व्याकुल हो रहे हैं, अब तो जो है उनका धैर्य टूट गया और मन में भय भी हो रहा है, पिताजी से कौन नहीं डरता, मुझसे पूछो बाजू में बैठे कैसे बोलता हूं मैं ही जानता हूं, भय भी हो रहा है कि पिताजी आएंगे तो दंड देंगे कि भाई मैंने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना है, तो भय उत्पन्न हो रहा है। अब तो उनका धैर्य टूट गया और हट कर जाते हैं, जब तक कन्हैया दूध नहीं पिएगा जब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और अंदर जाते हैं, जो साग अमनिया करने का जो चाकू होता है उसे लेकर आते हैं और कन्हैया से कहते हैं यदि आप दूध ग्रहण नहीं करोगे तो मैं अभी इसी वक्त अपना प्राणांत कर दूंगा। अब तो भक्त के आगे भगवान को झुकना पड़ा और कन्हैया का श्री विग्रह जो है दूध का कटोरा उठाकर दूध ग्रहण करने लगा। भक्त नामदेव जी देख रहे हैं कन्हैया दूध पीते जा रहे हैं, थोड़ा कम हुआ, सोच रहे हैं अब छोड़ेंगे, पीते पीते आधा हो गया, विचार कर रहे हैं प्रभु, जब देखा कन्हैया तो दूध पीते ही जा रहे हैं तो जाकर उन्होंने कटोरा पकड़ लिया, प्रभु 2 दिन से हम भी भूखे बैठे हैं, कहते क्यों रे कन्हैया पूरा अकेला ही पी जाएगा, 2 दिन से मैं बुला रहा हूं तो आ नहीं रहा हूं, मैं भूख से व्याकुल बैठा हुआ हूं, अब कुछ मुझे भी दे दे। तब भगवान आधा दूध छोड़ देते हैं, अपना प्रसाद भक्त नामदेव को दे देते हैं। दूसरे दिन पिताजी आते हैं, शिकायत करते हैं कि पिताजी आज के बाद यदि आप कहीं जाओ तो अपने ठाकुर जी को साथ लेकर जाना, हमारे बस का नहीं है, बहुत नखरे हैं इनके, तो 2 दिन मुझे भूखा रखा इन्होंने, आपने कहा जब ये ग्रहण करें उसके बाद ही आप करना, इनको तो भूख ही नहीं लगती, 2 दिन में आज ग्रहण किया। पिताजी सुनते हैं नामदेव जी की अटपटी बातें, भरोसा नहीं होता, क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या, हाँ पिताजी सच बोल रहा हूँ, अरे मूर्ति भी कभी दूध पीती है, हाँ पिताजी पीती है, मैंने तो पिलाया है। तो पिताजी के सामने फिर कन्हैया को अर्पण करते हैं पिताजी को भरोसा दिलाने के लिए। जब कन्हैया दूध ग्रहण नहीं करते हैं तो वही प्रक्रिया अपनाते हैं, अंदर जाते हैं, चाकू लेकर आते और कहते कन्हैया दूध पी रहे हो कि अभी, बिल्कुल तुरंत प्राणांत कर दूंगा। और भगवान का श्री विग्रह दूध का कटोरा उठाकर पीने लगता है। देखिए पुत्र की भक्ति ने पिताजी को भी दर्शन दिए, पुत्र की भक्ति से पिताजी को भी दर्शन हुए, सालों से वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हृदय को हमारे निर्मल बनाना पड़ेगा। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अपने हृदय को निर्मल बनाना पड़ेगा। संसार के समस्त जीवों में भगवान का दर्शन करना है। कल की कथा में हमने बताया था कि हम सब ईश्वर का ही अंश हैं, समस्त संसार में ईश्वर को देखना है, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे, सभी से प्रेम भाव करना है। तुलसीदास जी भी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो
हृदय को निर्मल बनाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है हमें निष्काम भक्ति बताई गई है, यानी कि ईर्षा रहित, कभी किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करना चाहिए। आइए तो कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना कि महाराज परीक्षित समीक ऋषि का अपमान कर देते हैं तो उनका पुत्र श्रृंगी जो है उनको श्राप दे देता है। तो वो समस्त आसक्तियों का त्याग कर कर घर परिवार पुत्र पत्नी राजपाट सब छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और भगवान की प्रेरणा से वहां सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और उन्हें वह उपदेश देते हैं कि समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करें, जो कि कल की कथा में हमने सुनाया था। आज राजा परीक्षित जो हैं, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज यह जो सृष्टि हमें दिख रही है, यह जो माया है हम सब आपको दिख रहे हैं, यह किसने बनाई, कैसी बनी? सुखदेव भगवान कहते हैं जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सारी पृथ्वी जलमग्न थी, भगवान की इच्छा हुई एको हम बहु श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसी कल्पना करने मात्र से ही भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन हूं, चारों तरफ जल है, पुष्प पर बैठा हुआ हूं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो उनके चार मुख बन गए। अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं कौन हूं, ये पुष्प को ऊपर बैठा हुआ हूं और यह पुष्प कहां से आया है। दुख कमल की नाल के सहारे कई वर्षों तक जल में नीचे जाते रहे लेकिन उन्हें उसका आधार नहीं मिला कि कमल कहां से आया है। तभी आकाशवाणी हुई, तपः, तप करो। ब्रह्मा जी ने इन दो शब्दों का आश्रय लेकर, दो शब्दों को आधार मानकर तपस्या करने लगे। तपस्या करने के प्रभाव से विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और चतु श्लोकी भागवत महापुराण का उपदेश दिया। अहमेवा समय वाग्रे नान्यद यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्चो यो विशिष्येत सोस्म्यहम रतेर्थम यत प्रतीयते ना प्रतीयते चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा वासो यथा तमो यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्विहम् एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरे काभ्यम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन चार श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। यही चार श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए और नारद जी ने यही चार श्लोक व्यास जी को सुनाए, जो मैंने कल की कथा में बताया था। और इन्हीं चार श्लोकों का माध्यम लेकर, इन्हीं चार श्लोकों का आश्रय लेकर वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जो कि हम आपको सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, नीचे गए लेकिन आधार नहीं मिला, लेकिन तपस्या की, कई वर्षों तक नीचे गए आधार नहीं मिला, लेकिन बैठे बैठे भगवान का भजन किया तो भगवान स्वयं उनके पास आ गए। यह हरि नाम कीर्तन का फल है। भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं कि आप सृष्टि की रचना करें। तो ब्रह्मा जी जो है तपस्या करते हैं। सर्वप्रथम सनकादि ऋषियों का अवतार हुआ है, जिनकी कथा हम प्रथम दिन से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करें।
पर सनकादि ऋषि जो चार ऋषि हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करना, हम इस माया जाल में उलझना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ तो उनकी भ्रुकुटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो उत्पन्न होते ही रोने लगा, तो उसका नाम रखा रुद्र। उससे कहा सृष्टि की रचना करो, उसने कहा जी पिताजी, लेकिन वो अपने जैसे ही सृष्टि बनाने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य जीव जंतु वृक्ष इनकी रचना की, लेकिन उनकी जो सृष्टि की रचना है बढ़ नहीं रही थी, और जो रौद्र जो अपनी तरह सृष्टि की रचना कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को खा जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रोक दी और फिर तपस्या करने के लिए तैयार हुए। सृष्टि की रचना का संकल्प करने मात्र से 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए, मरीचि अत्रि अंग्रा पुलस्त पुलह भृगु क्रतु दक्ष और नारद जी, 10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, अधर्म से मृत्यु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के दाहिने भुजा से महाराज मनु और बाएं भुजा से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। हम सबको भगवान ने बनाया है, हम सब भगवान का ही स्वरूप हैं, और हम सबका पालन करने वाले, हमें वहम होता है कि हम पालन कर रहे हैं, हमारे पुत्र को हम पाल रहे हैं, पुत्री को हम पाल रहे हैं, ऐसा नहीं, सब अपना भाग लेकर आते हैं। बनाने वाला वो है तो सृष्टि को चलाने वाला भी वो है। हम एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए भी एक बीम डालते हैं, नींव भरते हैं, पिलर डालते हैं, उसके सहारे वो मकान रहता है। जब इतना बड़ा संसार इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है तो कोई तो उसका आधार होगा। समय पे बारिश हो रही है, समय पे गर्मी आ रही है, समय पे सर्दी भी आ रही है, सब नियमित रूप से चल रहा है, तो चलाने वाला कौन है? परमात्मा सत्य स्वरूप, जो कि हम कल की कथा में आपको बता चुके हैं, सत्यम परम भीम ही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले बोया है हमने, जो पेड़ पहले बोया है हमने, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। Thank you.
धरा से शरीर पाए, इसी 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 धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, हे सत्यनियम यही धरा का, हे सत्यनियम इसी धरा का, हे सत्यनियम इसी धरा का, हे सत्यनियम इसी धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही वो फिर से बुला रहे हैं, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं, क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, क्या है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जब बोला सभी से सृष्टि की रचना करो तो कहने लगे महाराज सृष्टि की रचना हम कहां करें, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है पृथ्वी के तत्व को लेकर रसातल में चला गया था। ब्रह्मा जी ऐसा विचार ही कर रहे थे कि उनकी नासिका छिद्र से एक अंगूठे के बराबर वराह शिशु निकला। बोली वराह भगवान की, जो कल की अवतार कथा में बताया था
कि द्वितीय अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ था, वो अवतार आज हुआ है। भगवान जो है वराह रूप लेकर अवतरित हुए और देखते ही देखते वराह शिशु का रूप इतना बड़ा कि समस्त दिशाएं जो है आच्छादित हो गई और वराह भगवान ने तुरंत जल में छलांग लगा दी। और जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है पृथ्वी के तत्व को लेकर गया था, उसे लेकर ऊपर आ रहे थे, तभी हिरण्याक्ष जो है गदा लेकर भगवान को ललकारते हुए आया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। पहले लाकर पृथ्वी को स्थापित किया, उसके बाद हिरण्याक्ष का वध किया। महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु हिरण्याक्ष ये कौन था, कौन था ये हिरण्याक्ष? तो देखिए हिरण्याक्ष के कई अर्थ होते हैं। हिरण्य यानी सोना, अक्ष यानी आंख। जिसकी आंख हमेशा धन पर रहती है, धन कमाने पर रहती है, वो भी हिरण्याक्ष है। और जिसकी आंख हमेशा दूसरे के धन पर रहती है, वो भी हिरण्याक्ष है। अब हिरण्याक्ष कौन है, वेद हमारे क्या कहते हैं? एक बार दिति जी ने महाराज कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रार्थना की। कश्यप जी ने समझाया, देवी अभी सायंकाल का समय है, पुत्र प्राप्ति का अवसर नहीं है, सायंकाल में तो भगवान का भजन करना चाहिए और सायंकाल में तो भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अर्थात तो उनका अपमान होगा। लेकिन दिति जी नहीं मानती हैं। बाद में उन्हें भान होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और कश्यप जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि कहीं शंकर भगवान मेरे गर्भ को नष्ट ना कर दें। कश्यप जी कहते हैं, देवी तुम्हारे गर्भ से दो बड़े ही अधम राक्षस पुत्र होंगे, लेकिन तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित किया है, तुमने स्वीकार किया कि हाँ तुमने गलती की है, तो तुम्हारे दो पुत्रों में से जो चार पुत्र होंगे उसमें से एक पुत्र भगवत परायण होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा और भगवान के भक्त उसकी यश कीर्ति का वर्णन भगवान की लीलाओं के साथ, उनकी कथाओं के साथ उनका गान करेंगे। दिति जी बड़ी प्रसन्न हुई। तो सायंकाल में किए गए काम उपभोग के कारण कश्यप जी त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उनके यहां राक्षस पुत्र हुए। तो हम सभी भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्र में हर बात बताई गई है पर हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, शास्त्र सुनते नहीं है। यदि शास्त्र कोई सुनाता है तो हमें नींद आने लगती है, हमें जिमाई आने लगती है, तो वो वजन गाने लगते हैं। भाई आप ध्यान ही नहीं दे रहे, गलती ब्राह्मणों की थोड़ी है। भाई ये कलयुग का प्रभाव ज्ञान वैराग्य की अवहेलना होती है। जहां महाराज शास्त्र और वेद की बात करते हैं वहां मात्र चार लोग बैठते हैं, और अभी देखो दो चार झांकियां तैयार कर दी जाए, अच्छा साउंड वाउंड बढ़ा के भजन कीर्तन हो जाए तो अभी पब्लिक नहीं बनेगी यहाँ पे। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। हर बात हमारे शास्त्र में बताई गई है। कहते हैं किसी के यहाँ पुत्र हो रहा है, किसी के यहाँ पुत्री हो रहा है, ये भी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब हमारी माता बहने मासिक धर्म में होती हैं तो छठवें दिन यदि गर्भधारण होता है तो पुत्री होती है, सातवें दिन गर्भधारण होता है तो पुत्र होता है, आठवें दिन गर्भधारण होता है तो पुत्री होती है, नौवें दिन गर्भधारण होता है तो पुत्र होता है, दसवें दिन गर्भधारण होता है तो पुत्री होती है, ग्यारहवें दिन गर्भधारण होता है तो पुत्र होता है, और बारहवें दिन यदि गर्भधारण होता है तो पुत्री होती है। बारह दिन का ही बताया गया है। हर बात हमारे शास्त्र में है पर हम मानते नहीं है। भाई माताएं बहने कहती हैं कि सातवें महीने में जब गर्भ होता है तो वो इधर उधर भगता है, पलटता है। तो सोनोग्राफी अभी कुछ ही समय हुआ है, हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले कर दिया, हजारों वर्ष पहले लिख दिया है कि जीव जब सातवें महीने में गर्भ में होता है तो वो विचलित होता है, वो सोचता है कि भगवान बड़ी कृपा से हमें, हमने भगवान से आग्रह किया कि हम सत्कर्म करेंगे, हमारे मुक्ति का कोई उपाय करेंगे, तो इधर उधर इसलिए भगता है कि हम बाहर जाएंगे और इस माया में उलझ जाएंगे, हम भूल ही जाएंगे हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसलिए वो इधर उधर भगता है। तो भाई हमारे शास्त्रों में हर बात है, शास्त्रों को सुने, शास्त्रों को पढ़ें।
घर में कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखें, स्वयं भी पढ़ें, अपने बालकों को भी पढ़ाएं। इसके बाद ब्रह्मा जी जो है कर्दम ऋषि को, जो उनकी छाया से उत्पन्न हुए थे, उनसे कहते हैं आप सृष्टि की रचना करें। कर्दम जी ऋषि जो है सृष्टि की रचना के विचार करके, अभी देखो जो कथाएं आ रही हैं, सब सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन पहले भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, उसके बाद पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर रहे हैं। तो भाई हम भी भजन करके, सत्कर्म करके पुत्र या पुत्री उत्पन्न करेंगे तो वो तेजवान होगा भाई, धर्मनिष्ठ होगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्दम ऋषि जो है सृष्टि की रचना के करने के उद्देश्य से जंगल में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। कर्दम जी ऋषि कहते हैं महाराज हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बस हमारे पिता की आज्ञा है कि सृष्टि की रचना करो, तो उनकी आज्ञा का बस पालन हो जाए। यानी कि कहते हैं पत्नी मनोरमा देवी मनोवतारणुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस कुलोद भवाम, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो बढ़िया सुंदर कुल में उत्पन्न हुई, स्वस्थ एवं सुंदर, जो हृदय को प्रिय लगे ऐसी पत्नी मुझे आप प्रदान करें। भगवान कहते हैं महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ यहाँ आएंगे, वो तुम्हें कन्या दान करेंगे, तुम उनकी कन्या को स्वीकार कर लेना। भगवान कर्दम जी से वर मांगने को कहते हैं, लेकिन कर्दम जी कोई वर नहीं मांगते। उनके प्रेम को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर भगवान की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और एक आंसू वहां गिर जाता है जिसको हम बिंदुसर तीर्थ कहते हैं, बिंदुसर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति जी का विवाह होता है, नौ कन्याएं उत्पन्न होती हैं और उन नौ कन्याओं का विवाह जो नारद जी के 10 मानस पुत्र हुए थे उनमें से एक नारद जी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था, और जो नौ ऋषि थे अत्रि अंगरा ऋषि पुलस्त पुलहे इन सबको नौ कन्याओं को विवाह कर देते हैं। इसके बाद महाराज देवहूति और कर्दम जी के यहाँ स्वयं भगवान कपिल रूप से अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम ऋषि जी ने कहा था कि संतान उत्पन्न करने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। कपिल मुनि जो हैं बिल्कुल शिशु रूप में हैं, पल्ले में पड़े हैं। कर्दम ऋषि जाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और माता देवहूति का भार उन पर छोड़कर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। कपिल देव जी का अवतार जो है ज्ञान का अवतार है, वो सांख्य शास्त्र की रचना करते हैं और अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। इसके बाद स्वयं गंगासर चले जाते हैं, यहाँ देवहूति जी भी भगवान की तपस्या करके भगवान का गोलोक शाश्वत धाम प्राप्त करती हैं, और जहां पर माता देवहूति ने तपस्या की थी आज हम उसे सिद्धपुर के नाम से जानते हैं, जहां पर माता जी का श्राद्ध किया जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी जो हैं अत्रि जी को सृष्टि की रचना करने का कहते हैं। अत्रि ग्रह सुर श्रेष्ठा स्थित उत्पत्यन्ते हेत वहा किनर्चित कि शीर्षवो जाता एतदाख्या ही में गुरु। अत्रि जी की पत्नी कौन है? माता अनुसुईया, जो कि कर्दम जी की नौकन्याओं में से एक हैं। तो अत्रि जी से कहते हैं आप सृष्टि की रचना करें, तो अत्रि जी जो हैं अपनी पत्नी को लेकर तपस्या करने के लिए, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। पुत्र पुत्री उत्पन्न करने से पहले हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारी जो संतान हो वो उच्च हो, ज्ञानवान हो, धर्म पर चलने वाली हो। तो जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं महाराज अत्रि जो हैं, तपस्या करने लगते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। उस समय क्या है, भारतवर्ष में अकाल पड़ जाता है,
अन्न जल का अभाव आ जाता है, पशु पक्षी जीव जंतु सब मरने लगते हैं, अकाल पड़ा हुआ है। अत्रि जी की समाधि खुलती है, माता अनसुईया से कहते हैं, देवी मुझे प्यास लगा है, जल लेकर आओ। माता अनसुईया जो है अत्रि जी की अपने पति की आज्ञा ले पाकर कमंडल लेकर जल की खोज में निकल पड़ती हैं। देखा सारे जलाशय सारे तालाब सूखे पड़े हैं, कहीं जल नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। रास्ते में जंगल में उन्हें एक कुटी दिखी, उन्हें लगा शायद यहां मुझे जल मिल जाएगा। उस कुटी में जाती हैं जहां पर नर्मदा नाम की एक कन्या तपस्या कर रही थी। जाकर बोलती हैं, देवी हमारे पति जो हैं प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, अभी समाधि से उठे हैं, उन्हें जल पीना है, जल की व्यवस्था करवाएं। नर्मदा नाम की कन्या कहती है कि मैं तो अन्य जल सब त्याग करके यहाँ तपस्या कर रही हूँ। माता अनसुईया पूछती है, बेटा इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? तब वह बताती है कि मैं जिस भी व्यक्ति को अपने पति रूप में वर्ण करती हूँ वह विवाह के पहले ही मर जाता है। तब माता अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उसे सदैव स्वर्ग भेज देती हैं और कमंडल लेकर पुनः जल की खोज में निकल जाती हैं। आगे जाकर देखती हैं सारे जलाशय सूखे पड़े हैं, जीव जंतु प्यास के मारे तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वृक्ष आदि भी सूख गए हैं, फल पुष्प औषधियां भी बिल्कुल सूख गई हैं। उनको बड़ी दया आती है, देखते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब तो वह नेत्र बंद करती हैं और अपने पति के चरणों का ध्यान करती हैं और कहती हैं, यदि मैं मन वचन और कर्म से सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं तो गंगा मैया आप यहीं प्रकट हो जाएं। और जैसे ही माता अनसुईया ने ऐसे बोला, तुरंत गंगा मैया धरती फाड़ती हुई कलकल ध्वनि करती हुई प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की ये शक्ति है पतिव्रत धर्म में। यदि हमारी माताएं बहन सिर्फ पति की आज्ञा का पालन करें, सिर्फ पति की पूजा करें, उन्हें और कोई धर्म कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहला धर्म होता है पतिव्रत धर्म। सभी जीव जंतु जलपान करते हैं, मैया भी अपने कमंडल में जल भरती हैं, गंगा मैया जाने को तैयार होती हैं। अनसुईया मैया प्रार्थना करती हैं कि देवी भारतवर्ष में अकाल पड़ा हुआ है, सभी जीव जंतु मर रहे हैं, लताएं पुष्प इत्यादि सब सूख गए हैं, अतः आप लोग के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान रहे। तो आज भी चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा बहती हैं, आज भी वहां कभी जल का अभाव नहीं रहता। वही मंदाकिनी गंगा जो है माता अनसुईया ने अपने सिर्फ पतिव्रत धर्म के प्रभाव से प्रकट की है। नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी पहुंच गए विष्णु लोक को, जहां पर विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी जी थी। जाकर लक्ष्मी जी को प्रणाम करते, नारायण भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि मैया पृथ्वी पर एक अनसुईया नाम की सती है, उसका पतिव्रत धर्म जो है आपसे भी बढ़ चढ़कर है। अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उन्होंने गंगा मैया को प्रकट कर लिया। जैसे ही विष्णु भगवान सुनते हैं और वहीं से प्रणाम करने लगते हैं। लक्ष्मी जी देखती हैं, प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? नारायण भगवान कहते हैं, सुना नहीं अभी नारद जी ने क्या कहा कि भारत में एक पतिव्रता स्त्री है अनसुईया देवी, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उसको भगवान स्वयं प्रणाम करते हैं। पतिव्रता स्त्री है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई सती नहीं है, ऐसी कोई नारी नहीं है जो मेरा स्मरण ना करता हो। सब स्मरण करते हैं हम, आप सभी गरीब भी अमीर भी, और किसी देवता को नहीं पूजेंगे लेकिन लक्ष्मी मैया को जरूर पूजेंगे कि हे मैया हमारे घर में रहना, क्योंकि उनके बिना तो काम ही नहीं चलना।
तो कह लेंगे ऐसे कोई स्त्री नहीं है, ऐसी कोई सती नहीं है जो मुझे ना पूछती हो, और आप उसको प्रणाम कर रहे हो मुझे छोड़ के, और मैं आपके चरण दबा रही हूं। तो कह लेंगे मैं उसको नहीं, उसके पतिव्रत धर्म को प्रणाम कर रहा हूं। कह लें अच्छा, पतिव्रत धर्म को प्रणाम कर रहे हो तो परीक्षा लेकर आओ पतिव्रत धर्म की। तो विष्णु भगवान ने कहा ना जाऊं, तो जैसे ही नारद जी ने सुना तो समझ गए अब कुछ विवाद होने वाला है। तो कहने लगे मैया प्रभु हमें आज्ञा दो हम जाएं। विष्णु भगवान ने कहा अरे दादा कहां जा रहे हो यहां उलझा कर। लक्ष्मी जी के कहने पर विष्णु भगवान एक दंडी का वेश बनाकर अनसुईया माँ की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि वहां से ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं। आवाज लगाते हैं पिताजी महाराज। ब्रह्मा जी अनसुना करते हैं। भगवान ने सोचा चलो एक से भले दो। पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते कहीं नहीं यही भ्रमण कर रहे हैं। अरे नहीं मुझे तो ऐसा लगता है जहां मैं जा रहा हूँ वहीं तुम जा रहे हो। और यही बात जाकर उन्होंने कैलाश पर पार्वती जी से बोल दी। दोनों थोड़े आगे चले तो वहां से देख रहे शंकर भगवान भी डमरू बजाते हुए आ रहे हैं। तो तीनों इकट्ठे हो गए कह ले चलो अब चलते हैं। तीनों ने दंडी का वेश धारण करके वैरागी का वेश धारण करके माता अनसुईया के आश्रम पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही भिक्षाम देही। माता अनसुईया जो है उस समय स्नान कर रही थी। जब भी हम स्नान करते हैं तो वस्त्र थोड़े से कम होते हैं। तो माता अनसुईया ने कहा आप तनिक देर ठहर जाओ हम आते हैं। अभी स्नान कर रहे हैं जैसे ही त्रिदेवों ने सुना स्नान कर रहे हैं कि ले इससे अच्छा समय पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा हम भूखे ही लौट जाते हैं। उन्होंने कहा भिक्षाम देही और हम भोजन भी करेंगे। तो माता अनसुईया ने सोचा यदि मैं ऐसा इनके सामने जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। यदि ये भूखे लौट जाएंगे तो इनका गृहस्थ धर्म खंडित हो जाएगा। तो जल तो पास में था ही। माता अनसुईया ने अपनी पत्नी पति के चरणों का ध्यान किया और जल त्रिदेवों पर डाला तो तीनों देव छह छह महीने के बालक बन गए, जिससे उन्होंने उनको भिक्षा भी दे दी और पतिव्रत धर्म भी बच गया। अब कहते हैं यहां भगवान ने कहा है कि निर्वसन होकर भोजन कराओ। निर्वसन का मतलब वासना से रहित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स और अहंकार, इन सबसे रहित होकर जो भगवान को अर्पण करता है वही भगवान ग्रहण करते हैं। क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी योगे योगे, भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने निर्वस्त होकर भोजन कराने को नहीं कहा। निर्वसन का अर्थ होता है वासना से रहित होकर। इसके बाद माता अनसुईया ने उनको भोजन कराया और जो है एक पालना में उनको त्रिदेवों को छोटे छोटे जो छह छह माह के बालक बन गए हैं उनको डाल दिया और काम करने लगी। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से
संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए वेद यहाँ, लेने आए वेद यहाँ, गली नहीं डालना। लेने आए वेद यहाँ, गली नहीं डालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। कोई बैठे ना दिया पिडमरू बजैया। कैसे फंसे तीन देव पूछ कोई हाल ना। कैसे फंसे तीन देव पूछ कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। झूल रहे बन कर के लालना। देव झूल रहे
करके लालना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनसुईया मैया। देव समझाते हैं देवियों को कि कभी पतिव्रता स्त्री की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन देवियों के आगे अब क्या कहें, जाना पड़ा भगवान को भी। अब 6-6 महीने के बालक बने पड़े हैं। नारद जी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि 3 देव जो हैं 6-6 महीने के बालक बन गए हैं और माता अनुसुईया के पलने में पड़े हैं। अब देवियां तो घबरा गईं, अब क्या होगा। नारद जी एक युक्ति बताते हैं कि देवियों अब आप जाओ और माता अनुसुईया से क्षमा याचना करना। तीनों देवियां आती हैं, माता अनुसुईया जी से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं हमारे पति दे दो। माता अनुसुईया कहती हैं तुम्हारे पति हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 3 महात्मा आए थे, सब वो पलने में पड़े हैं, ले जाओ। पर ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ नहीं आए, क्यों? नारद जी ने पहले ही बोल दिया था कि उनने तपोबल से उन्हें बालक बनाया है, यदि आप उनको ऐसे ही उठा लोगे तो वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इसलिए क्षमा याचना करना उनसे। तो सभी देवियां क्षमा करने रखती हैं। माता अनुसुईया जो है अपने पति के चरणों का स्मरण करके जल छिड़कती हैं, तीनों देव खड़े हो जाते हैं। उसी समय महाराज अत्रि जी की समाधि खुलती है, वो देखते हैं कि तीनों देव हमारे घर में सामने खड़े हैं, प्रणाम करते हैं, कहने लगते हैं प्रभु हमने तो एक का ध्यान किया था, हमने तो एक का भजन किया था, यहाँ तो तीनों देव एकत्रित हो गए। भगवान समझाते हैं कि वस्तुतः हम तीनों देव एक ही हैं, संसार का संचालन करने के लिए हम अलग अलग रूप में रहते हैं। हम आप सभी शंकर भगवान की आरती गाते हैं उस समय गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका, स्वामी जानते अभिवेका, प्रणवाक्षर के पैदे ओमाक्षर के पैदे, तीनों देव एक हैं। अत्रि जी से कहते हैं वरदान मांगो, अत्रि जी कोई वरदान नहीं मांगते। माता अनुसुईया ने देवों को बाल रूप में खिलाया था, उनको भोजन कराया था, तो उनकी ऐसा इच्छा हुई कि ऐसे बालक हमारे यहां भी होते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में उनके यहां उत्पन्न हुए और शंकर भगवान दुर्वासा ऋषि के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हुए और विष्णु भगवान दत्तात्रेय भगवान के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। अभी परसों की कथा में 24 अवतार बताए थे, वही अवतार की कथाएं चल रही हैं। तो माता अनुसुईया के यहाँ और अत्रि जी के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव से जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी कि पत्र, यानी कि तुलसी पत्र हो गया, बिल पत्र हो गया, समी पत्र हो गया, दूरवी हो गया, दूरवा जो होता है। पुष्पम पुष्प, फलम फल, बेर का फल, बील का फल, जाम फल, काश्मीर फल, द्राक्ष फल, और तोयम, तोयम यानी जल, यानी कि पत्र पुष्प जल जो भी हमें श्रद्धा भाव से अर्पण करता है उसका हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित जी जो हैं सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं, भवो सीलवलाम श्रेष्ठे दक्षोदहित वत्सला विद्देशमकरोत् कस्मात् नादृत्याद्भजाम सदिम। कि
कि महाराज दक्ष ने अपनी पुत्री सती का अपमान करके सीलवानों में श्रेष्ठ जो देवों के भी देव हैं महादेव उनसे बैर क्यों किया। एक बार क्या होता है, प्रजापतियों का यज्ञ में एक सभा आती है, उसमें सभी देव आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी समस्त देवता आते हैं, सिद्ध गंधर्व आते हैं, प्रजापति दक्ष भी वहां आते हैं। जैसे ही प्रजापति दक्ष सभा में आते हैं सभी राजा दक्ष को प्रणाम करते हैं, राजा दक्ष जो हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और अपने आसन पर बैठ जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान को वहां पहले से बैठा देखकर शंकर भगवान जो हैं नेत्र बंद करके ध्यान में, वो तो ध्यानस्थ रहते हैं, संत महात्मा हैं, मान अपमान से परे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो देखा कि शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे हैं और शंकर भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, इससे वह उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध के वशीभूत होकर शंकर भगवान से भला बुरा कहने लगे। कहने लगा ये देखो, देखा है नेत्र बंद करके बैठा हुआ है, भाई इसे समाज में रहने का तौर तरीका नहीं आता है, ये शमशान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, इस प्रकार के आदि शब्दों से शंकर भगवान की निंदा करने लगा। तो भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बैठे रहे, पर उनके साथ में नंदीश्वर भी थे, इनको क्रोध आ गया और उन्होंने उपस्थित वहां जो राजा दक्ष के साथ जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को और राजा दक्ष को श्राप दे दिया कि राजा दक्ष तेरी बुद्धि जो है पशु के भांति हो गई है, इसलिए तेरा मुंह पशु का हो जाए। और जो ब्राह्मण लोग थे उनको भी श्राप दे दिया कि तुम लोग भक्ष्या अभक्ष को छोड़कर सिर्फ पेट पालन के लिए सारे संसार में भटकते रहोगे। तो आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग भटकते ही रहते हैं, हम भी भटकते भटकते यहां तक आ गए, तो ये श्राप है नंदीश्वर का, लेकिन हमें एक वरदान भी मिला है कि हम वाणी के द्वारा जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर महाराज भृगु भी थे, भृगु ऋषि थे, उनको भी क्रोध आ जाता है और वो भी शिव भक्तों को श्राप दे देते हैं। नष्टे सोचा मुढ़ा धियो जटा भस्मादि धारणा विसंतु शिव दीक्षाया यत्र देवि सुरा सवम। श्राप दे देते हैं जो शिव भक्त होंगे शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे, पवित्रता से हीन होंगे, जटा इत्यादि धारण करने वाले होंगे, भस्म राख इत्यादि हड्डियां धारण करने वाले होंगे। जब ऐसा वाद विवाद होने लगा तो शंकर भगवान वहां से उठकर चले गए। प्रजापति ने शंकर भगवान से बदला लेना चाहा तो कुछ समय पश्चात एक यज्ञ का आयोजन करवाया, उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सभी सिद्ध किन्नर नाग गंधर्व सभी को बुलाया, दक्ष यज्ञ जो है प्रारंभ होने लगा, अपनी सभी पुत्री को भी बुलाया लेकिन सती मैया को नहीं बुलाया। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के साथ सती मैया बैठी हैं, देख रही हैं कि आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, सभी देवांगनाएं देवता सुर गंधर्व अपनी पत्नी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर मधुर आवाज में गीतों का गान करते जा रहे हैं। मैया ने देखा, शंकर भगवान से पूछा, शंकर भगवान से पूछा कि यह सब कहां जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पूछे हूँ तब शिव
कही उबखानी पूछे पूछे हो तब शिव कही उबखानी पूछे हो तब शिव कहे हो बखानी माता सती जो है शंकर भगवान से पूछती हैं कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, यह सब वहां जा रहे हैं। जो महेश मुहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहूं मिस एही। मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है, सोचती हैं कि यदि शंकर भगवान मुझे आज्ञा दें तो मैं भी जाऊं यज्ञ में सम्मिलित हूं। इस बहाने से घर परिवार बंधु जनों से मिलने का सौभाग्य भी मिल जाएगा और शंकर भगवान से आज्ञा मांगती हैं। देखिए सती जी किस प्रकार आज्ञा मांगती हैं। बोली सती मनोहर वाणी 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 है संकोच प्रेम रस खानी सती जी आज्ञा मांगती हैं। कैसे? हाथ जोड़कर मनोहर वाणी से, जिसमें भय संकोच प्रेम रस खानी। भय भी है, संकोच भी है, प्रेम भी है और रस भी है। अच्छा बताओ आजकल ऐसे कोई आज्ञा मांगता है अपने पति से? सच सच बता ना, कौन कौन मांगता है मांगे मायके जाते समय आज्ञा मांगते हैं? अब तो हो सकता है पति ऑफिस में और यहीं से मैसेज डाल दिया कि मैं जा रही हूँ, खाना बना के रख दिया है। हाजी के नाजी, हाजी ऐसे ही शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए। हाथ जोड़कर बड़ी मनोहर वाणी से, जिसमें भय भी है, संकोच भी है, प्रेम भी है और रस भी भरा हुआ है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, मतलब हमारा वैर था, हमारे वैर के कारण आपको भी नहीं बुलाया है। तब सती मैया कहती हैं कि आप दोनों में कैसा वैर है, आप तो ससुर दामाद हैं, प्रेम होना चाहिए, वैर कैसा? तब शंकर भगवान कहते हैं प्रजापतियों के यज्ञ में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, इसलिए वो हमसे वैर करते हैं, इसलिए आपको भी नहीं बुलाया है। फिर भी सती मैया कहती हैं कि पिता तो पिता होते हैं, पिता पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल चले जाना चाहिए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा बिन बोलहु ना जाई संदेहा। यदि हमारे पिता के यहाँ कोई कार्य है तो बिल्कुल बिना बुलाए जा सकते हैं। प्रभु यदि कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, किसी कन्या का विवाह हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, भागवत पुराण हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मित्र, हमारे जो मित्र के यहाँ यदि कोई कार्य हुआ है, यदि मित्र हमें भूल गया है या हमें नहीं बुलाया है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं मित्र के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और गुरु, यदि हमारे गुरु जी के यहाँ कोई कार्य हो रहा है तो हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि गुरु जी हमें बुलाएंगे, फोन करेंगे, चिट्ठी भेजेंगे। बस यदि हमें पता चल गया कार्य हो रहा है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन यदि इनमें से कोई बैर करता है, हमसे कोई दुश्मनी मानता है, तो कदापि नहीं जाना चाहिए।
लेकिन सती मैया की इच्छा हुई, जाने के लिए उतावलापन होने लगा। परिवार जनों से, बंधु जनों से, बहनों से, माता पिताजी से मिलने की इच्छा है, लेकिन मिलने की इच्छा में बाधा पड़ी तो उन्हें थोड़ा क्रोध भी आने लगा। यहां वहां घूमने लगी, उनका शरीर जो है कांपने लगा। और देवी पुराण में एक कथा आती है, कालाग्नि तुल्य नयनाम मिली ताक्षा तदा भवत। जब बंधु जने से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ी तो मैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि केस खुल गए उनके, आंखों से उनकी अग्नि की ज्वाला बरसने लगी, दिगंबरा हो गई, मुंह फूल गया, जीप उनकी बाहर की तरफ लपलपाने लगी। शंकर भगवान ने जब मैया सती का ऐसा विकराल रूप देखा तो नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद करके पीछे की दिशा में भागे। कहते शंकर भगवान दसों दिशाओं में भागे, सती मैया दसों दिशाओं में प्रकट हो गई। शंकर भगवान ने इनको प्रणाम किया और कथा श्रवण कराई कि पहले शंकर भगवान ने इनको प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। यही दस महाविद्या के नाम से विख्यात हुई, काली तारा, छिन्नमस्तिका, सोडसी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातांगी और कमला। ये दस महाविद्याएं प्रकट हुई, भगवान ने इनको प्रणाम किया। इसके बाद सती जी जो हैं शंकर भगवान को छोड़ के, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके राजा दक्ष के यहाँ चली गईं। जब अपने पिता दक्ष के यहाँ गईं तो राजा दक्ष के डर के कारण किसी ने इनसे बात नहीं किया, किसी ने इनको कोई सम्मान नहीं दिया। बस इनकी माता जो मैना थी वो बस प्रेम से, भाव से मिली, क्योंकि माँ की ममता माँ ही जाने, आप सब तो माँ हैं, सब समझते हैं। इनकी जो बहनी थी वो इनकी हंसी उड़ाने लगी, क्यों रे सती तू अकेली आ गई है, तेरा वो भंगोड़िया पति कहाँ है। पर माता सती ने किसी से कोई बात नहीं की, सीधी यज्ञशाला में जाती हैं और यज्ञशाला में जाकर देखती हैं कि शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है। ईशान कोण होता है जहां शंकर भगवान का भाग होता है, वह खाली पड़ा है। अब तो सती मैया को और क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया, ऐसा लग रहा था समस्त लोगों को भस्म कर देंगी। और वहां पर उपस्थित सभी लोगों से कहती हैं, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुन जिने शंकर निंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा। उपस्थित सभी सभा से कहने लगी, जिन्होंने शंकर भगवान की निंदा की है, अपमान किया है, वो तुरंत ही फल पाएंगे। और क्रोध इतना आ गया कि राजा दक्ष से कहने लगी कि तेरे द्वारा उत्पन्न शरीर को मैं अभी त्याग करती हूँ और यज्ञशाला में बैठकर योग अग्नि प्रकट कर अपने शरीर को जला देती हैं, योग अग्नि प्रकट कर देती हैं, देह का त्याग कर देती हैं। यहाँ शंकर भगवान को पता चलता है कि माता सती ने देह त्याग कर दिया तो उन्हें बड़ा क्रोध होता है, अपनी जटा उखाड़ के ऐसे फेंकते हैं जिससे एक वीर पुरुष उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है वीरभद्र। आज्ञा देते हैं कि जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र जो आते हैं राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगते हैं, राजा दक्ष का सिर काटते हैं और यज्ञ कुंड में फेंक देते हैं। और जो ब्राह्मण लोग थे जो शिव विरोध, शिव जी की निंदा की थी, उनको भी दंडित करते हैं। सभी देवता आते हैं अनर्थ समझकर यज्ञ विध्वंस की रक्षा करने के लिए, शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तब शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा दक्ष को भी बकरे का सर लगाकर जीवित करते हैं, और जो साधु संत महात्मा थे जिनको दंडित किया था उनको भी स्वस्थ करते हैं, यज्ञ पूर्ण करवाते हैं। कथा तो बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद शिव जी जो है सती जी के शरीर को लेकर
पृथ्वी पर विचरण करने लगते हैं, पर विष्णु भगवान के चक्र द्वारा उनके अलग अलग भाग होते हैं। तो सती जी का शरीर के 52 भाग होते हैं, जो 52 शक्तिपीठ बने हैं। मैयर में मैया का हार गिरता है, वैसे मई हार है वो, क्योंकि वहां पे हार गिरा था लेकिन मैयर कहने लगे, कथा बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद सती जी यहां त्याग करती हैं और सती ज्योत जीत क्षेमक देहा, सती ज्योत जीत क्षेमक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गे हा, जन्मी जाई हिमाचल गे। सती जी यहां शरीर त्याग करती हैं और हिमालय पर जाकर राजा हिमाचल के यहां पार्वती के रूप में अवतरित हो जाती हैं। भागवत महापुराण में शिव जी का विवाह का इतना वर्णन नहीं है, मात्र एक श्लोक में बताया है कि शिव जी का विवाह है, लेकिन हमारी माताएं बहनी हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो यह जो शिव विवाह की कथा है ये हमने रामचरित मानस से ली है। रामचरित मानस की यह कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। भागवत में तो मात्र एक श्लोक में शिव जी का विवाह है कि सती जी ने देह त्याग किया और शिव जी पार्वती जी का विवाह हुआ। इसके बाद नारद जी को पता चलता है कि जगदम्बा का अवतार हिमालय में राजा हिमाचल के यहां हो गया है, दर्शन करने की इच्छा हुई और राजा हिमाचल के यहां पहुंच जाते हैं। राजा हिमाचल इनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आसन देते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं अहो भाग्य हमारे महाराज जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहते हैं त्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। अपनी पुत्री को बुलाते हैं, दर्शन करवाते हैं और कहते हैं प्रभु आप त्रकालज्ञ हैं, समदर्शी हैं, आप हमारी पुत्री की रेखा देखकर बताइए हमारी पुत्री में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। नारद जी जो है पार्वती मैया के रेखा देखते हैं और कुछ मुस्कुराते हुए शब्दों में रहस्यमय वाणी में कहते हैं आपकी पुत्री जो है सर्वगुण संपन्न है, इसके उमा अंबिका भवानी कई नाम होंगे और यह अपने पति के लिए अति प्रिय रहेगी। महाराज ने कहा कुछ दोष भी होंगे, दोष भी बताइए। नारद जी ने कहा हाँ दोष भी हैं, क्योंकि गुण भी होते हैं दोष भी होते हैं, सब में आप में हम में, लेकिन दोष होते हैं, हमें अपने दोष देखना भी चाहिए, जहां लगता है हमें ये दोष है वहां हमें सुधारना भी चाहिए। तो कई दोष क्या हैं? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु उदासीने सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण यानी कि गुणों से हीन, अमान यानी कि मान से भी हीन, और मातु पितु हीना और माता पिता से भी हीन, और उदासीन सब संशय छीना, हमेशा उदास रहने वाला। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम जिसे किसी प्रकार के कोई कामना ना हो, नग्न नग्न रहने वाला, अमंगल वेशधारी पति मिलेगा। पार्वती जी के मैया ने यह सब सुना तो राजा हिमाचल को बाजू में बुलाया, महाराज ये क्या कह रहे हैं नारद जी, कैसा कैसा पति मिलेगा हमारी पुत्री को, हम तो विवाह नहीं करेंगे। भाई पुत्री के अनुरूप ही पति होना चाहिए। राजा हिमाचल कहते हैं महर्षि की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, और पूछते हैं नारद जी से कि प्रभु आप ही बताएं ऐसा कहां मिलेगा पुरुष, भाई जो गुणों से भी हीन हो, मान से भी हीन हो, माता पिता से भी तीन हो, नग्न रहने वाला हो, उदासीन रहने वाला हो, ऐसा कौन है। तब नारद जी कहते हैं कि जो गुण हमने बताए हैं यह सब शंकर भगवान में विद्यमान हैं,
यदि तुम्हारी पुत्री शंकर भगवान का ध्यान करे, शंकर भगवान की तपस्या करे, तो शंकर भगवान इसे पति रूप में प्राप्त होंगे। पार्वती मैया ने जैसे भोलेनाथ का नाम सुना बड़ी प्रसन्न हुई और घर परिवार छोड़कर शंकर भगवान का ध्यान करने के लिए चली गई। शंकर भगवान का भजन करने लगी, उनकी तपस्या करने लगी। शंकर भगवान ने उनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कुछ महर्षियों को भेजा। महर्षि आकर शंकर भगवान के प्रति प्रेम की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, आप अपने घर जाइए, शंकर भगवान आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। इधर एक ब्रतासुर नाम का दैत्य था, तारकासुर नाम का दैत्य था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वर मांगा कि अगर हमारी मृत्यु हो तो शंकर भगवान के पुत्र से ही हो, क्योंकि उसे पता था शंकर भगवान से कौन विवाह करेगा, ऐसे व्यक्ति कौन करेगा, यानी कि ना उनका विवाह होगा, ना उनका पुत्र होगा, ना हमारी मृत्यु होगी। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, क्योंकि बहुत उत्पात करने लगा था, तीनों लोगों को अपने अधीन बनाने लगा था, धर्म कर्म कुछ नहीं करने देता था, ब्राह्मणों गायों को हत्या करता था, जो गुरुकुल इत्यादि थे जहां पर वेदाध्यान कराया जाता था उन सबको बंद करवा दिया था। उसके अत्याचार से सभी बहुत परेशान हो गए। सभी ने शंकर भगवान की प्रार्थना की, अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वे एव सर्व सर्वे एभ्यो नमोस्तु अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। अब यहां शंकर भगवान का विवाह होता है। अब शंकर भगवान का ना कोई घर है, ना परिवार है, कौन विवाह की तैयारी करेगा, कैसे विवाह होगा। शंकर भगवान के कुछ गण थे, उनसे कहा कि करो भैया तैयारी करो, विवाह करना है, सबकी आज्ञा है। तब विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। अब हल्दी लगाई जाती, जंगल में वहां कहां हल्दी, तो भाई राख थी, भस्मी थी, तो शंकर भगवान के पूरे शरीर में भस्मी रमा दी गई। कहिए मुकुट धारण करना है तो वहां कहां मुकुट, शंकर भगवान की जो जटाएं थी बड़ी बड़ी, मुझसे थोड़ी और बड़ी थी, तो उनको ऐसे ऐसे बनाकर मुकुट बना दिया गया। कहिए मोट भी लगाया जाता है, चंद्रमा को विराजमान कर दिया गया। एक भुजंग था, बहुत बड़ा सांप था, उसका जनेऊ बना दिया गया और एक सांप को उनके जटा में लगा दिया गया। छोटे छोटे जो प्याल थे, सांप के बच्चे थे, उनको कानों के कुंडल बना दिए गए। इस प्रकार से एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और नंदी पर सवार होकर भगवान तैयार होते हैं। सोचिए, विचार करिए कैसा रूप होगा भगवान का। एक मिनट नेत्र बंद करके विचार करिए, नंदी पर बैठे हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, भुजंग का जने हुए, पूरे शरीर में भस्मी रमाए हुए हैं, सर्प उनके सर्प का मोट बना हुआ है, सर्प गंगा को धारण किए हैं, चंद्रमा को विराजमान कर लिया है। बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा निराला रूप है, क्योंकि ऐसा और कोई तैयार ना हुआ है, ना कोई होएगा। उसके बाद नंदी पर सवार होकर आते हैं। सभी देवता लोग आए, सभी देवताओं ने शंकर जी का रूप देखा। अरे कह लगे ये क्या है, कहने लगे भाई दूल्हा के रूप बरात होना चाहिए। तो सभी देवताओं ने निश्चय किया कि सब अपने अपनी टोली बना के चलेंगे। विष्णु भगवान अपने गणों के साथ अलग हो गए, चंद्रमा अपने गणों के साथ अलग हो गए, सूर्य देव अपने गणों के साथ अलग हो गए। अब शंकर भगवान के साथ कोई जाने को तैयार ही नहीं, तो जो इनके गण थे इनने भी श्रृंगी नाम के गण को आज्ञा दी कि जाओ अपने समस्त गणों को बुला लाओ। शंकर भगवान के भी गण आ गए। को मुख ही ने भी पुले मुख का हो, को मुख ही ने भी पुले मुख का हो, को मुख ही ने भी पुले मुख का हो, को मुख ही ने विपुल मुख का हो, बिनु पद करे को बहु पद बाहो, बिनु
पद करे गो बहुपद बाहु। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो। अब शंकर भगवान के गढ़ आते हैं तो किसी के मुंह नहीं है, अकेला धड़ है और चले आ रहे हैं, किसी के पता चला ऊपर से लेकर सर से लेकर पैर तक मुंह ही मुंह है। बिनु पद कर कोई बह पद बाहु, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के पूरे शरीर में पैर हैं। कोई विपुल नयन कोई नयन विहीना, किसी के तो नयन नहीं है, किसी के पूरे शरीर में नयन ही नयन है। रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई तो इतना मोटा है कि इस पंडाल में एक ही बनेगा, और कोई बिल्कुल इतने दुबले पतले हैं, इतने दुबले पतले बस हड्डियों के ढांचे चले जा रहे हैं। इस प्रकार बड़ा मनोविनोद शंकर भगवान की बरात में हो रहा है। शंकर भगवान और गण बड़ा आनंद लेते हुए अब हिमाचल नगर के पास में पहुंचने वाले थे। जब बरात आता है तो कुछ लोग अगवानी करने जाते हैं, तो स्वागत करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, तो जैसे ही बरात को देखते हैं तो हाथी घोड़ा जो जिससे सभी लोग उनकी अगवानी करने गए थे, हाथी घोड़ा सब चिंगाड़ मारकर दौड़कर भागने लगते हैं। बाल बच्चे जो बरात देखने गए थे सब दौड़ लगा देते हैं और अपने घर के अंदर जाकर छिप जाते, गेट लगा लेते हैं, कांप रहे हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग थे, धैर्य धारण करके रुके। देखिए नृप हिमाचल नगर में, देखिए नृप हिमाचल नगर में, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नृप हिमाचल नगर में, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नृप हिमाचल नगर में, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नृप हिमाचल नगर में, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। चांद तारे हो, चांद तारे हो जैसे जमीन पर, यूं बराती चले जा रहे हैं। चांद तारे हो जैसे जमीन पर, यूं बराती चले जा रहे हैं। देखिए नृप हिमाचल नगर में, शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। हाथ कंगन आज बन खन के निकले हैं त्रिभुवन, सांप बिच्छू का है हाथ कंगन आज बन खन के निकले हैं त्रिभुवन, सांप बिच्छू का है हाथ कंगन आज बन खन के निकले हैं त्रिभुवन, सांप बिच्छू का है हाथ कंगन आज बंधन के निकले त्रिभुवन, रोज का चांद सिर पर विराजे, नादिया पर चढ़े जाए, रोज का चांद सिर पर विराजे, नादिया पर चढ़े जा रहे हैं। नृप हिमाचल नगर में, शिव जी दूर
बने जा रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। का है संग लस कर जो गनी हाथ लीने है घर पर। भूत प्रेतों का है साथ लस कर जो गनी हाथ लीने घर पर। भूत प्रेतों का है संग लस कर जो गनी हाथ लीने है घर पर। भूत प्रेतों का है साथ लस कर जोगनी हाथ लीने खबर। देखिए शिवजी की बारात जा रही है, बड़ा मनोविनोद हो रहा है। कैसे मस्त हो करके, मस्त हो करके भूतों की डोली, मस्त हो करके भूतों की डोली नाचते कूदते जा रहे। मस्त हो करके भूतों की डोली नाचते कूदते जा रहे हैं। देखिए नपो हिमाचल नगर में सिंधुला बने जा रहे। देखिए नपो हिमाचल नगर में सिंधुला बने। चल से लेकर के टोला ब्याह कर लाए गोरस भोला। हिमाचल से लेकर के टोला ब्याह कर लाए गोरा को भोला। फिर हिमाचल से लेकर के टोला ब्याह कर लाए गोरस भोला। फिर हिमाचल से लेकर के टोला ब्याह कर लाए गोरा को भोला। शिवजी दूल्हा जय हो, शिवजी दूल्हा वा दुल्हन है गोरा। शिवजी दूल्हा वा दुल्हन है गोरा, देवता फूल बरसा रहे हैं। शिवजी दूल्हा और दुल्हन है गोरा, देवता फूल बरसा रहे हैं। हिमाचल नगर में दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए सब हिमाचल नगर में शिवजी दूल्हा बने जा रहे हैं। चांद तारे हो, चांद तारे हो जैसे जमीन पर, चांद तारे हो जैसे जमीन पर नाचते कूदते जा रहे हैं। चांद तारे हो जैसे जमी पर नाचते कूदते जा रहे हैं। देखिए नव हिमाचल नगर में दूल्हा बने जा रहे हैं। देखिए नव हिमाचल नगर में दूल्हा बने जा रहे हैं। दूल्हा बने जा रहे हैं। दूल्हा प्रकार से शिवजी की बारात जा रही है।
तो एक आध्यात्मिक विषय भी है शिवजी की बरात में। शिवजी ने काल को यानी कि सर्प को अपने सर पे रखा है, इसका आध्यात्मिक विषय ये है काल यानी सर्प, सर्प यानी हमारी मौत। जो अपने मौत को सर पे रखता है यानी कि मृत्यु को याद रखता है उस इंसान से कभी गलती नहीं बनती। और गंगा जी को विराजमान किया है, गंगा ज्ञान का प्रतीक होती हैं, अर्थात हमें बताते हैं कि हमें ज्ञानवान होना चाहिए, हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, विद्वान होना चाहिए हर व्यक्ति को। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है कि यानी कि हम कोई भी कार्य करें बड़ी शीलता के साथ, शीतलता के साथ कार्य करना चाहिए। और त्रिशूल हाथ में लिए हैं यानी कि त्रितापों को हरने वाले, दैहिक दैविक भौतिक। इस प्रकार और वृषभ पे सवार हैं, कल की कथा में बताया था वृषभ जो है धर्म का प्रतीक होता है, बैल पर सवार होकर जा रहे हैं, अर्थात वो हमको बताते हैं कि बैल यानी धर्म, कि हमें धर्म पर चलना चाहिए। इस प्रकार से बारात जा रही है। अब जो बच्चे भाग गए थे उनके घरवाले पूछते हैं बेटा बताओ दूल्हा कैसा है, अब बच्चों के मुंह में से आवाज ही नहीं आ रही, कई लोगों की धत्ती बन गई, गंगा जल लेकर आए छोड़ा कि क्या हो गया कैसी है बारात। अरे कह लगे माता जी पिताजी बारात क्या बताएं, कह चलो बारात का छोड़ो दूल्हा कैसा, अरे दूल्हा बर बोरा है वसई असवाना ब्याल काल विभूषण धारा, अरे ऐसा लग रहा है जैसे यमराज आ गए हों। दूल्हा क्या है वो तो पूरा पागल है, नंदी पे सवार है, एक हाथ में त्रिशूल है एक हाथ में डमरू है, पूरे शरीर में सांप लपेटे हुए हैं। चलो ठीक है, सबने कहा ठीक है अब जैसा है। अब शंकर भगवान की बारात हिमाचल नगर में पहुंच जाती है, अब सब लोग उनका स्वागत सत्कार करने आते हैं, सब लोग तो नहीं कुछ धैर्यवान जो वीर लोग थे वो ही पहुंच पाए हैं, बतो कई बेहोश हो गए कई अपने घरों में सो गए। अब उनका स्वागत सत्कार होने लगा, भोजन प्रसादी की बारी आई तो पत्तल लेकर गए, अब देखा किसी का मुख ही नहीं है, अब पत्तल कहां डाला जाए, अब किसी के चारों तरफ मुख हैं, अब पत्तल कहां डाले भोजन कहां से दें, किसी का इतना बड़ा मुख है कि 50 लोगों का भोजन एक ही बार मुख में चला गया, अब किसी का मुख ही नहीं है, अब भोजन कैसे हो। शंकर भगवान ने कहा आप तो रख दो वो तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। स्वागत सत्कार हुआ, अब विवाह की विधि प्रारंभ हुई। शंकर भगवान जो है द्वाराचार के लिए जाते हैं, सर्वप्रथम द्वाराचार होता है, द्वाराचार पूजा होती है। तो पार्वती जी की मैया बढ़िया स्वर्ण थाल सजाकर कुछ सखियों के साथ उनके द्वाराचार पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए आ रही थी। तो जैसे ही शंकर भगवान को देखा तो मैया ने थाल फेंकी और महल में दौड़ लगा दी, और मैया पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी कि मैं पर्वत से कूद कर जान दे दूंगी, नदी में कूद कर मैं पुत्री सहित अपना प्राणांत कर दूंगी, लेकिन ऐसे पागल पति से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती मैया समझाती हैं तुम सम मिटहिं कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जिनु लेहु कलंका। यही तो विधि का विधान है, मैया जब मेरे भाग में पागल ही पति लिखा है आप क्यों कलंक ले रही हो अपने सर पर, कर्म लिखा जो बाहर ना हो तो कत दोष लगा गही का हो, क्यों किसी दूसरे को दोष दे रहे हो, हमारे क्रम में ही जब पागल पति लिखा है। नारद जी का आगमन होता है, सप्तऋषि का आगमन होता है, मैया की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, उनका मोह दूर होता है। पार्वती मैया प्रार्थना करती है प्रभु आप जैसे रहते थे तो रहते रहते कम से कम आज तो विवाह था, आज तो सुंदर स्वरूप बना लेते। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बनाया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बड़ा सुंदर रूप बनाया और शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ। भैया कोई विवाह गीत गा दे। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसे नहीं, आज तीनों भुवनों के स्वामी बाबा भोलेनाथ का विवाह है।
कम से कम जयकारा तो हमें जोर से लगाना ही पड़ेगा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। अभी व्यास जी महाराज ने बताया था कि बाबा का श्रृंगार कैसे हुआ है, क्या उनको जनेऊ पहनाया है, क्या उनके मुकुट में है, क्या उनके जटा में है, शब्दों पे बड़े गौर करेंगे ध्यान से। धमना की है कसे लंगोटी, धमना की है कसे लंगोटी, करिया की कर धनिया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया। धमना की है कसे लंगोटी, 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 करिया की कर धनिया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ और बाबा बूढ़े बैल पे बैठे अंग विभूति रमाए, बाबा बूढ़े बैल पे बैठे अंग विभूति रमाए, नर मुंडों की माला पहने नाग गले लिपटाए, नर मुंडों की माला पहने नाग गले लिपटाए, बाजू बंद लगे बिछुवन के बाजू बंद लगे बिछुवन के, कानन लगे ततैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती। बाघों पर आधा तन है नंगा, आधे तन पे है बाघों पर आधा तन है नंगा, चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा। देखिए जब हमारे घर में किसी की शादी होती है तो 80-80 साल के बूढ़े सयाने भी नृत्य करते हैं, झूम के नाचते हैं। आज तीनों भुवनों के स्वामी बाबा भोलेनाथ की शादी है और हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं जैसे हम भंडारे में आए हों। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए। आधे तन पे है बाघम पर आधा तन है नंगा, आधे तन पे है बाघम पर आधा तन है नंगा, चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोहे गंगा, चम चम चंदा चमक रहा जटा में सोहे गंगा। और भूतनाथ को नजर लगे ना, भूतनाथ को नजर लगे ना, भूतनाथ को नजर लगे ना, भूत नीले भलैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया, देख आओ सखी पार्वती के सैया। धमना की है कसे लंगोटी,
कामना की है कसे लंगोटी करिया जी कर धनिया देख आओ सखी पार्वती के सिया देख आओ सखी पार्वती के सिया देख आओ सखी पार्वती के सिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। हर समस्या का हल एक लोटा दो लोटा एक लोटा जल। भगवान ही किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बड़े बड़े लोग बताते हैं 5 किलो मिठाई आ रही है, 15 किलो दूध चढ़ रहा है। अरे भाव होना चाहिए। यदि आप सत्कर्म नहीं कर रहे हो, उचित कार्य नहीं कर रहे हो, धर्म की राह पर नहीं चल रहे हो, तो कोई फल नहीं है। यदि भाव है आपके अंदर तो आप जल भी दोगे तो भगवान ग्रहण करेंगे, पत्र भी चढ़ाओगे तो भगवान ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से शंकर भगवान का विवाह हुआ। आगे सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को मनु और शत्रुअंबा के वंश का वर्णन कराते हैं। प्रिय व्रतो ने पाद पानो शत्रुपापते सुतो वासुदेव कल्याण रक्षायां जगत स्थितो। महारानी शत्रुपा और मनुजी के यहाँ 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। वासुदेव भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण बड़े धार्मिक थे। धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो प्रियव्रत जी ने तो विवाह नहीं किया था, लेकिन उत्तानपाद जी जो थे उनके 2 विवाह हुए थे। उनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। एक दहा सुरुचि पुत्र मकम आरोग्य लालयन। महाराज उत्तानपाद जो थे सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। तो सुरुचि का जो पुत्र था, खैर पुत्र तो दोनों से ही प्रेम करते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अधिक प्रेम करते थे। गोद में लेकर राज सिंहासन पर बैठे थे, उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव पहुंच जाता है और पिता की गोद में आने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करता है इतने में सुरुचि आ जाती है और रोक देती, हाथ पकड़कर दूर कर देती है कि तू इस गोद का अधिकारी नहीं है, अजी तुझे इस सिंहासन पर जाना है, इस गोद मर जाना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा जब तू इस गोद का अधिकारी होगा। ध्रुव जी का अपमान हुआ, उन्हें बड़ा क्रोध आया। कहते हैं सुसुन रूसा दंड हतो यथाही, जैसे सांप को अपन डंडा मारते और वो फुसकार मारने लगता है, ठीक इसी प्रकार ध्रुव बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगे और रोते हुए अपने माता सुनीति के पास आते हैं। कहते हैं मैया मैया, रोते हैं मैया, पूछती है क्यों रो रहे हो। बताते हैं कि सौतेली माँ ने हमारा अपमान किया, ऐसी ऐसी बात है। तो सुनीति मैया को मन में तो दुख होता है। मनु कहते हैं तुम्हारी मैया ने ठीक किया है, यदि तुम्हें मांगना है तो उन भक्त वत्सल भगवान से मांगो, जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। क्योंकि संसार से मांगोगे तो हो सकता है अपमान हो सकता है उपहास हो जाए। तो कहती है उन भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय ले। ध्रुव जी कहते ठीक है और उपदेश देती है कि जा भगवान का भजन कर। ध्रुव जी भजन करने जाने को तैयार होते हैं तो मैया कहती है ऐसे नहीं, पहले अपने माता और पिता की आज्ञा लेकर आओ। ध्रुव जी जो है माता पिता की आज्ञा लेने जाते हैं और पिताजी की आज्ञा लेते हैं कि मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं, और माता सुरुचि की भी आज्ञा लेते रहे। माता जी कहती यदि तू जा रहा है चल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा। ध्रुव जी बन जाने को तैयार होते हैं। देखो पुराणों में 2 माताओं का उल्लेख आया है जिन्होंने अपने पुत्र को
भगवत मार्ग में भगवत भजन के लिए जाने को कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनीति जी का और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की मैया सुमित्रा जी। जब माता कैकेयी ने भरत जी को राज्य और श्री राम भगवान को वनवास मांग लिया, लक्ष्मण जी को पता चला कि राम भैया को वनवास हो गया है, दौड़ते हुए आए श्री राम भगवान के पास गए और जाकर उनके चरणों से लिपट गए कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम भगवान ने समझाया, इतना बड़ा राजपाट है, माताजी पिताजी हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, आप यहीं रुको। पर लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं कि नहीं मैं तो आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम भगवान कहते हैं अच्छे जाइए, माँ की आज्ञा लेकर आइए। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं और राम वनगमन का समाचार सुनाते। मैया बड़ी दुख होती हैं और कहती हैं यदि भगवान राम वन जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, आज से तुम्हारे माता पिता श्री राम हैं। और कहते हैं जहाँ माता सीता है जहाँ श्री राम भगवान है वहीं अयोध्या है। तो कहते हैं ना, माता जैसा चाहे बालक को वैसा बना सकती है, क्योंकि माता जो है प्रथम गुरु होती है। माता चाहे तो बालक को ज्ञानवान बना दे, माता चाहे तो बालक को बुद्धिहीन बना दे, माता चाहे तो बालक को वीर बना दे, माता चाहे तो बालक को कायर बना दे। जो माता चाहे वो पुत्र को बना सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, क्योंकि दुस्सीलो मात्र दोषेनो। यदि बालक दुष्ट होता है और चरित्रहीन होता है तो इसका दोष माता को लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं। पितृ दोषेन मूर्खता, यदि बालक मूर्ख है तो इसमें पिता का दोष होता है। कारभ्यम वंश दोषेनो, यदि बालक कायर है तो इसमें वंश का दोष होता है। और आत्म दोष तहा दरिद्रता, लेकिन यदि बालक दरिद्रता है तो इसमें स्वयं का दोष होता है, किसी का दोष नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानवान बनो, क्योंकि जब हम ज्ञानवान होंगे तब तो हम अपने बालकों को शिक्षा देंगे, तो अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में अवश्य बालकों को शिक्षा देना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, आजकल के बालकों को वेद के चार नाम नहीं पता। भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं और उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, हिंदी लिख नहीं पाते, हिंदी पढ़ नहीं पाते, कितनी शर्म की बात है। भाई बालक बड़ा हुआ और सेंट थॉमस में डाल दिया, भाई ना धर्म के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसमें गलती हमारी है, हमें बताना चाहिए हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन के बारे में। क्योंकि हमारे सनातन में यही बताया है, श्रवण जी थे, कितनी सेवा की, श्री राम भगवान ने कितनी सेवा की, धर्म के बारे में पता नहीं है, वही लोग वृद्धाश्रमों में हैं। भाई हमारा धर्म तो ये कहता है माता पिता की सेवा की जाती है, धर्म के बारे में पता नहीं है, विवाह होता है, बहू आती है, कहीं माता बुढ़ी हो गई, एक काम करो वृद्धाश्रम में डालाओ, तो गलती हमारी है इसमें। यदि हम शास्त्र पढ़ाने लगे, लेकिन हम कब पढ़ाएंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे या शास्त्र हम सुनेंगे तब हम अपने बालकों को शिक्षा देंगे। तो विचार नहीं ये बात है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने सर पे गंगा को विराजमान किया कि बेटा ज्ञानवान बनो, ज्ञानवान तुम रहोगे जब दूसरों को ज्ञान दोगे। ध्रुव जी जो है माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए वन को जाते हैं। नारद जी मिलते हैं, नारद जी समझाते हैं, देखते हैं कि 5 वर्ष का बालक है जिससे चला भी नहीं जा रहा है, सही से बोल भी नहीं पा रहा है, तोतली उसकी भाषा है। समझाते हैं बेटा कि तुम्हारे बस की नहीं, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, वापस जाओ खेलो कूदो, तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं। और आप वन में जा रहे हो, वन में कितने बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, सिंह बाघ आएगा आपको खा जाएगा, लेकिन ध्रुव जी नहीं मानते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा। नारद जी उनकी परीक्षा लेते हैं, जब नारद जी समझ जाते हैं कि यह भक्ति का अधिकारी है तो उसे द्वादशाक्षर मंत्र दे देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र समझते हैं आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमें भी जाप करना चाहिए और हमारे बालकों को भी बताना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप हमें कुछ देना या मत देना, लेकिन ये मंत्र हमसे जरूर ले लो। आप आज से यहां संकल्प लेकर जाएं
कि जितना समय मिले एक बार, पांच बार, सात बार, ग्यारह बार, इक्कीस बार स्वयं भी करें और अपने बालकों से भी करवाएं। क्योंकि हमने कथा में बताया था प्रातः काल जो हम वंदना करते हैं उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है, और सायंकाल जो हम अर्चना वंदना पूजा करते हैं उससे हमारा मन पवित्र होता है। बुद्धि पवित्र और मन पवित्र करने के लिए प्रातः काल और सायंकाल पूजा अवश्य करना चाहिए और बालकों से कराना चाहिए। रूप जी जो हैं जा रहे हैं, नारद जी ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया, मन में स्मरण करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं आप वृंदावन जाइए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति जल्दी होती है, जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वृंदावन की ओर चल दी। अच्छा बताइए आप लोगों में से कोई वृंदावन कौन कौन गया है? चलिए ठीक है, गए हैं लेकिन काफी कम लोग गए हैं। वृंदावन अवश्य जाएं। यदि आप वृंदावन जाओगे तो आपके मन में जो संशय है ना कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सत्य है कि नहीं है, सारे संशय आपके खत्म हो जाएंगे। बस एक बार वृंदावन जाके देख लो, वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। चलिए ठीक है, जो गए हैं अच्छी बात है, बाकी बारी की कृपा है। जो नहीं गए हैं वो तो भगवान से यहीं से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी कभी आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भी कभी वृंदावन जाएं। आइए मानसिक रूप से सभी वृंदावन की यात्रा करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन राम, चलो रे मन वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रखे राधे 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 गुंज हरे, हरे के नाम हरे मेरे मन हरे गोज के
धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा जी प्यारी है। ओ फटके खावा खा, ओ फटके खावा खा, फटके खावा खा, ओ फटके खावा खा। नटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे गुंजारी के कांवर कारी। मिलेंगे वहाँ गुंजारी के कांवर कारी। मिलेंगे वहाँ गुंजारी के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की वरसाने भारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसके बाद ध्रुव जी जो है ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करते हुए वृंदावन की ओर चल देते हैं। रात्रि हो जाती है, एक वृक्ष के नीचे भगवान का भजन करते करते सो जाते हैं। देखिए भक्त की चिंता भगवान को होती है, भगवान को पता है कि मेरा भक्त आ रहा है और योग माया को आदेश देते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, उसे सुलाकर आप वृंदावन की यमुना के किनारे सुला दो। ध्रुव जी प्रातःकाल उठते हैं, देखते हैं कई साधु महात्मा यमुना जी में स्नान करते, स्नान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे रामा हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप कर रहे हैं। पूछते हैं महाराज ये कौन सा स्थान है, बताते हैं वृंदावन धाम है। तो ध्रुव जी जो है यमुना जी में स्नान करके भगवान का भजन करने लगते हैं। और ध्रुव जी ने कोई साधारण भजन नहीं किया, साधारण तपस्या नहीं की। त्रिरांते त्रिरांते कपत्वद रासनम, तीन तीन दिन के अंतर से बेर और फल खाकर भगवान का भजन करने लगे एक माह तक। दूसरे माह में छह छह दिन के अंतर से मात्र पत्र और घास इत्यादि खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे माह में नौ नौ दिन के अंतर से जल पीकर, मात्र जल पीकर भगवान का भजन किया। चौथे माह में 12 दिन के अंतर से मात्र वायु पीकर भगवान का भजन किया। और पांचवे माह में तो महाराज ध्रुव ने श्वास को जीत लिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान का भजन करने लगे। प्राण से भिन्नता हो जाने के कारण जीवों का सांस और प्रश्वास रुक गया, तीनों लोक कांपने लगे। तब श्री हरि भगवान गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और ध्रुव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। भजन तपस्या देखिए, भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद करके ध्यान ही कर रहे हैं। तब भगवान ने उनके हृदय में जो ध्यान चल रहा था उसको विलीन कर दिया। जैसे हृदय का ध्यान विलीन हुआ, ध्रुव जी तुरंत घबरा कर नेत्र खोला, देखा सामने श्री हरि भगवान है, प्रणाम किया, स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बालक है आता ही नहीं है कुछ, कैसे स्तुति करें। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जो है उनके गाल से स्पर्श कर दिया, जिससे उन्हें दिव्य वाणी प्राप्त हुई। भगवान ने वरदान मांगने को कहा लेकिन ध्रुव जी ने वरदान नहीं मांगा। तब भगवान ने कहा कि मैं वो अविनाशी लोक तुझे देता हूं, जिसके तारागण चंद्रमा ज्योतिष नक्षत्र जिसकी परिक्रमा करते हैं वो ध्रुव लोक में तुझे दान करता हूं। और भक्ति का वरदान देकर भगवान चले गए। उसके बाद महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया। उनकी जो सौतेली माँ सुरुचि का पुत्र उत्तम था वह यक्षों के साथ युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी ने यक्षों का युद्ध किया। कथा तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, अभी वामन अवतार की कथा भी करना है। आज वामन अवतार तक कथा पहुँचनी है, किसी कारणवश या कह सकते मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इससे थोड़ा सा आज कथा लेट शुरू हुआ है। भाभी जी लोग सोच रही होंगी हर कथा में ऐसा ही होता है, पिछली बार भी कथा में हुआ था तो मैं बीमार पड़ गया था, सोच रहे हो ना।
मैंने भी इस विषय में विचार किया था, हो सकता है मैं इस व्यासपीठ के काबिल ना हूँ, तो हमारे गुरुजन माता पिताजी से मैं इस विषय में जरूर जानकारी लूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी मैं कथा करता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ। आज भी दोपहर में आज तो सोकर ही नहीं उठ पा रहा था। चलिए ठीक है, जाके बुलवाते हैं। इसके बाद बामन अवतार की कथा आती है। राजा बलि जो है, राजा बलि राक्षसों और दैत्यों का जब संग्राम होता है तो देवताओं द्वारा राजा बलि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी के पास वो उस विद्या से राजा बलि को राक्षसों को जीवित कर दिया। जब राजा बलि को जीवित कर दिया तो उन्होंने अपना सारा धन वैभव शुक्राचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने उनसे एक राजसूय यज्ञ करवाया, जिससे राजा बलि को और दैत्यों को उन्होंने बलवान बना दिया, और उसके बाद देवताओं पर चढ़ाई कर दी, देवताओं की पराजय हुई। राजा बलि जो है तीनों लोकों का स्वामी बन गया। देवता लोग बन बन मारे मारे भटकने लगे। उनकी माता अदिति थी, उनको बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र बन बन मारे मारे फिर रहे, धर्म कर्म सब बंद हो गया, ना भागवत की कथाएं हो रही हैं, ना यज्ञ हो रहे हैं, कुछ होने ही नहीं दे रहे, दैत्यों का राज है। तब उन्होंने पयोव्रत किया, यानी कि दूध पान अकेला करके भगवान का भजन किया, जिसके प्रभाव से स्वयं हरि भगवान बामन के रूप में उनके यहां अवतरित हुए। बोलिए बामन भगवान की जय। उनका शरीर जो है मात्र बावन अंगुल का है, इसलिए उनको बोलते हैं बामन भगवान। बोलिए बामन भगवान की। बामन का रूप बनाया, बामन का रूप बनाया बिहारी जी ने। बावन भगवान की झांकी हमारी भी जा रही है, आप लोग थोड़ा सा बीच में से रास्ता दे दें ताकि आप सभी के बीच में से भगवान हमारे बीच पधारे। सभी लोग एक बार बोले बोले बावन भगवान की। कर मैं दंड कमंडल सोहे, मैं दंड कमंडल सोहे, सिर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, सिर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, बामन का भेष बनायो बिहारी जी ने, बामन का रूप बनायो बिहारी जी ने। मोहिनी मूरत सांवली सूरत प्यारे सांवली सूरत, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, छवि मुनिन मन भायो बिहारी जी ने, छवि मुनिन मन
रूप बनायो बिहारी जी ने बामन का रूप। देखिए भगवान बामन का अवतार होता है, उसके बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद एक विधान होता है भिक्षा भक्ति, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने बामन अवतार लिया तो मैया स्वयं पार्वती जी आई थी उनको भिक्षा देने। उनको पता चला कि गंगा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि बड़े प्रसन्न होते हैं, अहो भाग्य हमारे, जैसे ही देखते हैं ब्रह्म तेज से संपन्न बालक आया, कहते बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, गाय मांग लीजिए, घोड़ा मांग लीजिए, घर मांग लीजिए, सोना मांग लीजिए, चांदी मांग लीजिए। लेकिन वामन भगवान कहते नहीं, मुझे बस मेरे पग से 3 पग स्थान दे दो। राजा बलि कहते भाई आप बातों तो बड़े बुजुर्गों जैसी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि आपकी बाल है, मैं 3 लोगों का अधिपति हूँ, जो एक बार मुझसे मांग लेता है दोबारा कभी उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता। बोले जी महाराज, लेकिन मैं तो कोई संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे मात 3 पग स्थान दे दो। तो जैसे ही राजा बलि संकल्प करते हैं, उनके गुरु शुक्राचार्य जी रोक देते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए मैया अदिति के यहाँ अवतरित हुए हैं। तो राजा बलि कहने लगा, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा। तो जैसे ही संकल्प लिया और देखते ही देखते वामन भगवान का रूप इतना बड़ा कि पृथ्वी से लेकर आकाश, समुद्र, समस्त नदियां, समस्त वृक्ष और हम सभी मानव उसमें समा गए। तो पहले पग में ही पृथ्वी से लेकर आकाश तक नाप दिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक से लेकर सत्यलोक तक नाप दिया, और राजा बलि से कहने लगे बता बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। अब तो राजा बलि वंदन में हो गया भगवान के। राजा बलि कहने लगा महाराज ये शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, अर्थात आप तीसरा पग में सर पर रखे। भगवान ने राजा बलि के सर पर तीसरा पग रखा और फिर राजा बलि से कहा वरदान मांगो, लेकिन राजा बलि वरदान नहीं। बामन का रूप बनाया बिहारी जी ने, बामन का रूप बनाया बिहारी जी ने, बामन का रूप बनाया बिहारी जी ने, माधुरी मूरत काविनी मूरत, मोहिनी मूरत काविनी मूरत, मोहिनी मूरत प्यारे काविनी सूरत तेरे, काविनी सूरत मोहिनी मूरत काविनी सूरत, सभी मोहिनी मैं आयो बिहारी जी ने, सभी मोहिनी मैं आयो बिहारी जी ने, बामन का रूप बनायो बिहारी जी ने, बामन का रूप। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बामन देव भगवान की। आज की कथा में यही श्री हरि भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, आगे की कथा कल करेंगे। बोलिए बामन भगवान की जय। हमारे यजमान बनकरों ने तो बामन
भगवान का पूजन अर्जन कर लिया है, और भी यदि कोई भक्त वामन भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो सीधा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। आप आकर पूजन कर सकते हैं, जब तक कुछ क्षण का संकीर्तन आप पूजन करें, इसके उपरांत में भगवान की मंगल में आरती है। श्री सीताराम, सभी भगवान का स्मरण करेंगे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे, शंकर की शंकर की डमरू में आवाज आए, राधे राधे, शंकर की डमरू में आवाज आए, राधे राधे, ब्रह्मा जी राधे राधे बोल रहे, विष्णु जी राधे राधे बोल रहे, लेकिन हम लोग तो उनसे भी बड़े वाले हैं, हम राधे राधे नहीं बोल रहे, बताओ। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू के सरयू के सरयू के धार से आवाज आए, राधे 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 राधे, राधे आवाज आई, राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, 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 जय जय राधे रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, ॐ इदगुङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुङ् सर्वगणगुङ्सने आत्मसनि प्रजासनि वधुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजाम्बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोषमाशुधत। आप सब वामन भगवान से पीछे हो, आप पीछे हो और पीछे हो थोड़े से, संग में वामन भगवान की भी आरती हो और पीछे हो थोड़े थोड़े से, आप भी हो जाए थोड़े थोड़े पीछे हो जाए, पंखा को ये बहुत बढ़िया, अब तो ना लगे, हरि बोल। नंद में
तारों में गिरधर तेरी याद की कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन अब मैं पसीना अब मेरे कार दो भगवन करुण करो कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन अब मैं पसीना अब मेरे कार दो भगवन करुण करो कष्ट है रो ज्ञान दो भगवन अब मैं पसीना अब मेरे कार दो भगवन करुण करो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार की मैं बसा कर उतारूं मैं तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे I'm
पाल वाला कृत शंकराय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु शतका तुमेव हरे रामा नम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 सभी गाइए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा कटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मोहन प्यारे कटवंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा कटवंशी वाले गोकुल सखा हमारे विश्वास स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 दोनों हाथ सभी के ऊपर राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे बालकृष्णाय नमः जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ ॐ जतनेन जतनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ।